फिर से गूंजे गांव की बेटी सबकी बेटी का नारा। 1090, 181 और 112 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबर पर भोजपुरी और बुंदेलखंडी में हो बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला जनप्रतिनिधियों, प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों तथा पार्षदों, नगरीय निकायों के अध्यक्षों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला शिक्षकों से किया डिजिटल संवाद। कहा, क्षेत्रीय बोली की सुविधा होने पर महिलाओं को होगी सहूलियत। स्मृति सिंह ग्राम प्रधान रत्सार कला गढ़वार बलिया के आगरा पर मुख्यमंत्री ने दिया व्यवस्था करने का निर्देश। गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बदलते दौर में एक बार फिर गांव की बेटी सबकी बेटी के भाव को जगाने की जरूरत है। यह हमारी संस्कृति और संस्कार है, गाँव से लेकर महानगरों तक इसकी गूंज होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करने के साथ साथ स्वावलंबन के लिए केंद्र व राज्य सरकार सतत प्रयास कर रही है, पर मुकम्मल सफलता महिलाओं के सहयोग और जागरूकता से ही मिल सकेगी। मुख्यमंत्री रविवार को मिशन शक्ति के दूसरे दिन अपने सरकारी आवास पर महिला जनप्रतिनिधियों, प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों तथा पार्षदों, नगरीय निकायों के अध्यक्षों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला शिक्षकों से वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने महिला जनप्रतिनिधियों के प्रगतिशील और सकारात्मक सोच व प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों की जागरूकता ने कई क्षेत्रों का कायाकल्प किया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए सरकारों का प्रयास तभी सफल होगा जब स्वयं महिलाएं जागरूक होंगी। उन्होंने कहा कि आप जैसे जागरूक लोगों के जरिए ही शासन की योजनाएं पात्र व्यक्तियों तक पहुंचती हैं। अगर जनप्रतिनिधि जागरूक ना हो तो यह योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़कर दम तोड़ देती हैं। योगी जी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है। एक पढ़ी लिखी बेटी सुरक्षित भी होती है, सम्मानित भी होती है और स्वावलंबी भी होती है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने कोख में बेटियों की हत्या रोकने और बाल विवाह की कुरीति को समाप्त करने के लिए मुखबिर योजना शुरू की थी। स्वच्छ भारत अभियान, स्वस्थ बनने का अभियान तो है ही, साथ ही साथ नारी गरिमा और सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास है। इंसेफेलाइटिस जैसी महामारी की समाप्ति का कारण यही स्वच्छ भारत अभियान है। स्कूल चलो अभियान और स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो प्रयास हुए उनसे 50 लाख से अधिक बच्चे विद्यालय में बढ़े। सुखद यह है कि इनमें अधिकांश बालिकाएं हैं। इसी तरह मातृ वंदना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना जैसे प्रयासों ने महिलाओं के जीवन में एक नया सवेरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जनधन योजनाएं ने महिलाओं को वित्तीय समावेशन से जोड़ा। मिशन शक्ति की होगी त्रिस्तरीय समीक्षा। शरदीय से बसंतिक नवरात्रि तक चलने वाले मिशन शक्ति अभियान का असर धरातल पर दिखे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की त्रिस्तरीय समीक्षा के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शासन स्तर पर मुख्य सचिव हर महीने जिलाधिकारी, साप्ताहिक और संबंधित विभाग दैनिक समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी। गांव-गांव तक हो हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार। महिलाओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने 1090, 181, 10, 76 और 112 जैसे जनउपयोगी हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार प्रसार की ज़रूरत बताई। वहीं जनपद बलिया के ग्राम स्तर कला गढ़वार के ग्राम प्रधान स्मृति सिंह की अपील पर कहा कि 1090, 181 और 112 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबर पर भोजपुरी और बुंदेलखंडी में भी बात करने की सुविधा हो। क्षेत्रीय बोली में अपनी बात कह पाने की सुविधा होने पर महिलाओं को सहूलियत होगी। इससे पहले अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल ने NIC सहित विभिन्न डिजिटल माध्यमों से मुख्यमंत्री का संदेश सुन रही करीब 50,000 महिलाओं का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी की भावना को अपने घर परिवार तक पहुंचाएं। कार्यक्रम में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रेरक है महिला जनप्रतिनिधियों की पहल। वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम योगी ने महिला जनप्रतिनिधियों से वार्ता की। मुख्यमंत्री से संवाद करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों में से कुछ अपने बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित हो चुकी हैं तो कई ने क्षेत्र में कुछ अभिनव प्रयास किए हैं। मसलन नकटी देई कप्तानगंज बस्ती की प्रधान वर्षा सिंह अपने अच्छे कार्य के लिए रानी लक्ष्मीबाई सम्मान और
सीएम प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित हैं, तो चंदवारा बाराबंकी की ग्राम प्रधान प्रकाशनी जायसवाल ने अपने क्षेत्र में किशोरी साइकिल बैंक का अभिनव प्रयास किया है। ग्राम कोठी जनपद बाराबंकी के प्रधान महजबीन ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके द्वारा गांव की बैठक में बेटियों महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जगाने के लिए काउंसलिंग कराई जाती है, तो बिजनौर के तैमूरपुर दिया मोहम्मदपुर देवमल गांव की प्रधान संजू रानी ने जैविक खेती कर लोगों को प्रेरित कर रही हैं। संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि शिक्षित सशक्त और स्वावलंबी महिलाएं किसी भी समाज की उन्नति का आधार हैं। आपने अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है, यह अन्य जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ी लिखी और जागरूक महिलाएं आगे आएं तो सरकार का काम और आसान हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग गांव में सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवाएं, कैमरों से सुरक्षा मिलेगी तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सुबह शाम राष्ट्रभक्ति और अन्य जागरूकता संबंधी जानकारियों का प्रसार हो सकेगा। शासन की योजनाओं से पात्रों को संतृप्त करें। माननीय अभी आज जो है तीन प्रकार से पूरे प्रदेश के महिला प्रतिनिधि आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं। एक NIC के माध्यम से सभी जनपदों में हमारे अधिकारी और कुछ महिला प्रतिनिधि हैं। जूम ऐप के माध्यम से हमारा प्रयास है लगभग 50,000 प्रतिनिधियों को जोड़ने का। फिर हमारा YouTube लिंक हमने सभी जगह पहुंचाया है, विशेषकर जो बेसिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा और माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के महिला अध्यापिका प्राध्यापक हैं उनको लिंक पहुंचाया, उस लगभग 6 लाख अध्यापकों को वो लिंक पहुंचाया गया है। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक जो हमारे प्रदेश की महिला प्रतिनिधि हैं वो आपका संदेश सुने और जो आपकी मंशा है, आपने जिस उद्देश्य से प्रदेश में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन का ये जागरूकता सप्ताह प्रारंभ किया है उसके साथ वो सब जुड़े, उसकी उद्देश्य को पहचाने और अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां पर वो है उसमें इस जागरूकता अभियान का, प्रदेश सरकार के पूरे अभियान का जो कि लगभग 180 दिन तक चलेगा, ये अभियान 180 दिन तक चलेगा, इसलिए आवश्यक है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे महिला प्रतिनिधि जुड़े। तो उसी कार्यक्रम में माननीय आपका स्वागत है। आज की कार्यक्रम का क्रम इस प्रकार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ जनपदों की महिला जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेंगे, तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन हम सबके लिए उपलब्ध होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आदेश करें तो आप शुरू करें। जी तो पहले मैं प्रारंभ कर रहा हूँ सर, बस्ती में श्रीमती वर्षा सिंह है, ये नकती देई बुजुर्ग ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान है श्रीमती वर्षा सिंह। हाँ नमस्ते, क्या करते हैं आप वर्षा सिंह जी? सर मैं ग्राम प्रधान हूँ। कब से हैं आप ग्राम प्रधान? 2015 से। अच्छा 2015 से हैं। ग्राम प्रधान के रूप में ऐसा क्या काम किया है आपने जो ये माना जा सकता है कि जिससे महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा या उन्हें स्वावलंबन की तरफ अग्रसर किया जा सकता है? सर मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शौचालय का निर्माण कराया है। हाँ। जिससे महिलाएं बाहर निकलने में असुरक्षित ना महसूस करें और सुरक्षा की भावना उनके में। बहुत सुंदर। और किस समूह बनाया है मैंने, स्वयं सहायता समूह महिला जागरूक कर रही हूँ जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके और आपदा की स्थिति में महिलाएं मास्क बना के अपना आय का साधन प्राप्त कर रही थी और इसमें महिलाएं स्कूल ड्रेस की सिलाई का काम कर रही हैं जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। कितनी आबादी है आपकी ग्राम पंचायत की? सर मेरे यहाँ 2865 2865 है। हाँ। आपके यहाँ पंचायत भवन है? हाँ सर मेरे यहाँ पंचायत भवन। आपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ अपने गांव को नहीं जोड़ा है, ये माइक वगैरह लगा करके जिससे एक जगह से गांव में जो है कोई
मैसेज देना हो उसके माध्यम से गांव के लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुबह शाम भजन बज सके, देशभक्ति के गाने बज सके, इसके बारे में कोई कार्यक्रम आपने अपने यहाँ गांव में चलाया है कि नहीं चलाया? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। आप तो जो है कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। हाँ सर, आपके द्वारा मुझे रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार मिल चुका है और गांव के लिए पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, इसका मतलब आपने गांव में अच्छा काम किया, इसीलिए आपको दो दो पुरस्कार मिले हैं। रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार भी आपको मिला है और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार भी आपको मिले हैं दो दो बार। बहुत बहुत बधाई आपको। और जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार आपके कार्यों को पुरस्कृत कर रही है, ऐसे ही अन्य लोग भी आपसे प्रेरणा प्राप्त करें, इसीलिए आप लोगों के साथ हम लोगों ने संवाद बनाया है। अगला धन्यवाद जी। बस्ती में ही श्रीमती रूपम मिश्रा नगर पालिका अध्यक्ष है। हाँ नमस्ते रूपम जी, आप तो अध्यक्ष हैं वहाँ पे बस्ती में जो है, आपके साथ अभी बहुत एक बड़ी दुर्घटना भी घटित हुई है जी। हमारी पूरी संवेदना आपके प्रति है। आप अच्छा काम कर रही हैं बस्ती में तमाम चुनौतियों के बावजूद जी, और क्या ऐसा काम आपके द्वारा आगे किया जा सकता है जो अन्य महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए प्रेरणादायी बन सकता हो? जी महाराज जी, अभी तो फिलहाल मैं निरंतर इस प्रयास में लगी हूँ कि जो आपका जो भी शासन का निर्देश है हमारे महिलाओं के लिए, जो भी चीज आए उसको मैं उन तक पहुँचाऊँ, चाहे शौचालय हो। इस समय सार्वजनिक शौचालय का भी कुछ देर बाद और निर्माण होने वाला है। बिजली की व्यवस्था दे रही हूँ और साथ ही साथ जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके कायाकल्प का भी कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। आप लोग अगर चेयरमैन के रूप में अपने पार्षदों के साथ नियमित रूप से वार्डों का भ्रमण करेंगे, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर लेंगे, साथ साथ जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम की बात वर्तमान में की जा रही है कि जगह जगह माइक से हम लोगों को स्वच्छता के प्रति, सुरक्षा के प्रति, सड़क के नियमों का पालन करने के बारे में भी जागरूक कर सकेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और मुझे लगता है कि देखिए, हर कार्यक्रम सरकार के भरोसे या फिर नगर निकाय के भरोसे नहीं होगा, पब्लिक अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए अगर आप लोगों हर मोहल्ले में, हर वार्ड में लोगों की जागरूकता की टीम एक गठित करके लोगों को इसके प्रति प्रेरित कर सकेंगे, बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहुत अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप लोग अच्छा काम करें वहां पे। बलिया से श्रीमती स्मृति सिंह बलिया। हाँ नमस्ते, आपको शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। आप भी ग्राम प्रधान हैं? बहुत सुंदर, पहली बार आप ग्राम प्रधान बने हैं? यस सर जी। तो आपके गांव की आबादी तो बहुत ज्यादा। जब मैं प्रधान बनी थी सर तब से लेकर, क्योंकि मेरे यहाँ का ही एक कांड आपको याद होगा शायद, दरगाह कांड हुआ था। हाँ, तब से जो है मेरे जी सर, तब से मुझे जो है वुमेन्स के लिए काम करने के लिए ज्यादा जो है जद्दोजहद करनी पड़ी। मेरे यहाँ इतनी बड़ी ग्राम सभा होने के बावजूद भी एक भी एसएचजी नहीं थी और मैंने एसएचजी का निर्माण कराया और एसएचजी को जो है आपको फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग और फिर अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग इत्यादि थी। और मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए सर पेपर स्प्रे डिस्ट्रीब्यूट कराया है और सैनिटरी पैड बाय हैंड्स जो है बनाने की ट्रेनिंग भी दी है बालिकाओं को। बहुत सुंदर, गाँव में आपके यहाँ तो जो है
स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ग्राम पंचायत में गरीबों के घरों में जिनके घर में शौचालय नहीं रहे होंगे उनके घर में शौचालय भी बने होंगे। जी जी सर, जी सर। और विद्यालय होंगे आपके ग्राम पंचायतों में, वहां पर भी आप लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प में आरओ प्लांट वगैरह लगाए होंगे। जी सर, लगवाया है। और एक बार से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो मिशन कायाकल्प के तहत मैंने स्कूल बनवाया है उसमें जो स्कूल में जो मैंने पोर्टफोलियो बनवाया है वो केवल एक केवल महिलाओं के लिए पोर्टफोलियो बनवाए हैं, जो कि भारत की हमारी जो है बहुत ज्यादा महिलाएं हैं जिनसे हमारे छोटे बच्चे सीख सके। और मैंने जितने भी पिलर्स है उन पिलर्स पे जो है हेल्पलाइन नंबर लिखवाए ताकि वो छोटे बहुत सुंदर बहुत अच्छा। कब्जा कर लिए थे हम लोगों का पूरा प्रयास भी आप लोग बोल रहे हैं सबको नोट परिवर्तन करेंगे और उसको करेंगे। आप अन्य महिलाएं भी आपकी तरह ही मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता है। बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है आपकी, तो आपने क्या क्या काम किया है? सर्वप्रथम तो जो है शौचालय बनवाए, महिलाओं को प्रेरित किया कि शौचालय का प्रयोग करें। आज हमारी सारी महिलाएं शौचालय प्रयोग कर रही हैं। वो जो असुरक्षित महसूस करती थी अब सुरक्षा महसूस कर रही हैं। उसके बाद सर हमने जो हैंड पाइप मार्ग का नल होता है वहाँ जो है महिलाएं खुले में स्नान करती थी, तो उनके लिए 10 स्नान घर बनवा दिए जिससे उसमें स्नान करती हमारी बच्चियाँ। और जो असुरक्षा थी वो सुरक्षा महसूस कर रही है जिससे की। उसके बाद में सर हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं जो मुख्य चौराहों पर, एक साइकिल ये किशोरी साइकिल बैंक बनवाया है जिससे हमारी किशोरी लड़कियां साइकिल से पढ़ने जाती हैं। बहुत सुंदर जी सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। सुमंगला योजना हमारे यहाँ ग्राम में सभी को मिल रही है, जो कन्या सुमंगला योजना। जी जी, पहली क्लास में जाने पर जी जी, फिर उसके बाद में उनको सिक्स क्लास में जाने पर 2000 रुपया, उसके फिर उनको नवी क्लास में जाने पर जो है 3000 रुपए, फिर उसके बाद में उनको डिग्री कॉलेज और उसमें जाने पर 5000 रुपए। इस तरह की सारी पंचायत में जानकारियां दी जाती है जागरूक महिलाओं के द्वारा, और पंचायत में कई बैठकें की जाती है जागरूकता करके उस पर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप जैसे जागरूक अगर महिला प्रधान हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व देने की मांग उठ रही है उसकी सार्थकता हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ज्यादा अच्छे ढंग से समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को अच्छे ढंग से रखा जा सकता है और लोगों को खासतौर पर घर गृहस्थी के कार्य का संचालन जो महिलाएं करती हैं तो उन लोगों तक सरकार की सारी बातें पहुंच सकती है, योजनाएं पहुंच सकती है, उसका लाभ बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। हाँ सर, यहाँ बाराबंकी में एक प्रधान और है, मैं जबीन, ये ग्राम पंचायत कोठी की प्रधान है। हाँ मैं जबी जी, जी सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? आप तो पढ़ी लिखी हैं। बहुत सुंदर, आप जैसे अगर पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, समाज का उद्धार हो जाएगा। जी। और खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद भी आप ग्रेजुएट हैं और ग्राम प्रधान भी हैं। जी। ग्राम प्रधान भी है ना, ग्राम कितनी आबादी है आपकी ग्राम पंचायत की? हाँ 14,000। ओ तो आपके यहाँ तो दो ऐसी ग्राम पंचायत में जाएंगे तो विधायक तो फिर आपके सामने फेल।
हाँ बहुत सुंदर। तो क्या क्या किया है आपने अपने ग्राम पंचायत में? सर हमने अपने ग्राम पंचायत कोठी में लगभग 1000 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया है, जिससे महिलाओं को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े और वो शौचालय में ही जाए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस सहायता शहरों में पिंक बूथ बनवाया जा रहा है। विधवा पेंशन 250 महिलाओं को विधवा पेंशन दिया जा रहा है। लगभग 1900 महिलाओं को राशन कार्ड का लाभ दिया जा रहा है, जिसकी मुखिया महिला है। बहुत सुंदर। बालिकाएं आपके ग्राम पंचायत में सभी स्कूल जाती हैं? जी। कोई बालिका ऐसी तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गई हो? नहीं सर, ऐसी कोई बालिका। बहुत सुंदर। समय समय पर जागरूक भी करते हैं। हाँ। कि बेटियों को स्कूल भेजे और शिक्षा प्राप्त करें। बहुत सुंदर। देखिए आप जैसे जागरूक महिलाएं अगर ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करती रहेंगी तो समाज का उद्धार हो जाएगा, देश विकास की बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जी अपने ग्राम पंचायत में हर हफ्ते बैठक करते हैं, जिससे महिलाएं जो है अपने ये उनको जागरूक किया जाता है कि अपने बच्चों को समझाएं, लड़कों को कि आज जैसे घटनाएं हो रही है। हाँ। तो आपकी बेटी बहन भी अम्मा बहन बेटी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। महिलाओं को आगे आना पड़ेगा इसके लिए, लोगों को समझाने के लिए, खासतौर पर गांव में लड़कों को बच्चों को इन सबको समझाना पड़ेगा। बहुत सुंदर, मैं आपको बधाई देता हूं। अब बिजनौर से श्रीमती संजू रानी मोहम्मदपुर देवमल की प्रधान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिजनौर वासियों की ओर से कोटि-कोटि प्रणाम। नमस्ते संजू देवी जी, नमस्ते। आपकी ग्राम पंचायत जो है कितनी आबादी की है? सर 10,848। 10,000? अच्छा, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। कब से आप ग्राम प्रधान है? 2015 से। अच्छा, 2015 से आप ग्राम प्रधान है। क्या क्या किया है आपने गांव में? सर एक पंचायत घर बनवाया है, एक पेयजल के लिए टंकी बनवाई है। हाँ। और 135 शौचालय बनवाए हैं। बहुत सुंदर। गांव में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? जी। ठीक है, बहुत सुंदर। पानी ये जो पाइप पे जिस टंकी बनाया, तो इससे पानी लोगों के घर घर तक जा रहा है? सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चलना शुरू हो गया। ठीक है, उसका प्रयास करें कि ग्राम प्रधान निधि से या उस पैसे का उपयोग करते हुए इस पैसे से हम घर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर लें। हर घर नल की योजना में जब तक आपकी ग्राम पंचायत में योजना, उससे पहले ही आप पहुंचा देंगे तो उसका श्रेय आपको मिलेगा। एक काम हो सकता है, संभव है, जल्दी से अपनी कार्य योजना बनाइए। अभी तो आप लोगों को लगभग 2-2.5 महीने और कार्य करने का अवसर मिलेगा, यही टर्म आपका है अभी, तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। इस कार्य को कर लेंगे। हाँ जी जी। और सर गांव में अनाउंसमेंट करवाने के लिए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी आपने लगा लिया है? जी। बहुत सुंदर। तो उसमें सुबह शाम भजन या फिर जो है ये राष्ट्रभक्ति के गीतों का भी कार्यक्रम चलता है कि नहीं चलता है? उसको भी बचा शुरू कराइए उसको भी। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, महिला स्वयं सेवी समूह बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बनाए हैं, स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। बहुत सुंदर। अगर आप जैसे जागरूक महिलाओं की तरह ग्राम प्रधान और पार्षद चेयरमैन हो जाएंगे तो फिर तो शासन की सभी योजनाएं अपने आप सफल हो जाएंगे। बहुत 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 मैं अभिनंदन करूंगा आप लोगों का, बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं।
सीसीटीवी कैमरे और लगवाऊंगी। हाँ बहुत सुंदर, लगाइए, बहुत सुंदर है, बहुत आवश्यक है। बहुत सुंदर, गाय मैं भी पालता हूँ, मेरे पास 500 गाय है। लेकिन लेकिन हम लोग भी रखते हैं गाय को। धन्यवाद। अब हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि मार्गदर्शन के लिए और इस अभियान के बारे में अपना निर्देश हम सबको प्रदेश के मुख्य सचिव सीआरके तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज, अपर मुख्य सचिव सूचना, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, अपर मुख्य सचिव राजस्व और बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, निदेशक पंचायती राज और अन्य सभी हमारे अधिकारीगण, मिशन शक्ति के इस अभियान में आज मेरे साथ जुड़े हुए सभी प्रदेश के जनपदों से हमारे सभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण, हमारे पंचायत और नगर निकायों के हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, मेयर, चेयरमैन और पार्षदगण, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए महिला प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज शारदीय नवरात्रि का द्वितीय पर्व है, 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व आदिशक्ति मां भगवती के प्रति भारत की सनातन आस्था का और सुदृढ़ करता है। और इस अवसर पर हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर कल से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, मिशन शक्ति का, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और उनके स्वावलंबन को लेकर के अलग अलग चरणों में विभिन्न विभागों के द्वारा एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं और कल से प्रारंभ हुआ है। कल मुझे भी बलरामपुर जनपद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रदेश की हमारी राज्यपाल महोदया ने लखनऊ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रभारी मंत्रीगण अलग अलग जनपदों में गए थे, सभी माननीय सांसद और विधायकों को भी इस अवसर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जनपदों में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और हमारे प्रदेश के प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए जो वरिष्ठ अधिकारी महिला अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक एक जनपद का भ्रमण किया है। जब हम लोगों ने मिशन शक्ति के कार्यक्रम को शुरू करने की बात की थी, तब मुझे विश्वास नहीं था कि इतना सफल और इतना रुचि मातृशक्ति के द्वारा इस कार्यक्रम के प्रति लिया जाएगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यह कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में मैंने आज विशेष रूप से अपनी महिला जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाने का निर्णय लिया और मुझे अच्छा लगा जब मुझे अभी 5-7 महिला जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए कितनी प्रगतिशील सोच उनकी है और कितनी सकारात्मक सोच के साथ वे लोग कार्य कर रही है। शासन की योजनाएं बनती हैं, योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास शासन का होता है, लेकिन अगर जागरूक लोग न हो, जागरूक जनप्रतिनिधि न हो,
तो जरूरतमंद इससे वंचित रह जाता है। और अंततः जागरूकता के अभाव में ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, या एक व्यक्ति या एक बार में लोग इसका लाभ तो ले लेते हैं, बाद में योजनाएं ऐसी लटकती भटकती रह जाती हैं। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा अपने इन सभी जनप्रतिनिधियों का, महिला जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने अभी यहां पर इस संवाद के माध्यम से अपनी सफल कथा, अपनी ग्राम पंचायत की, अपने नगर निकाय की सफलतम जो कहानी है वह यहां पर हमारे सामने, सबके सामने कही है। और मुझे लगता है ऐसी अनेक बहनें होंगी जो अपना कार्य बहुत सफलतापूर्वक अपने ग्राम पंचायत में, अपने वार्ड में, अपने नगर निकाय में, या फिर महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में कर रहे होंगे। क्योंकि आपके पास भी समय का अभाव होगा, आप भी पूजा अनुष्ठान में इस नवरात्रि के अवसर पर होंगे और इसलिए बहुत समय नहीं लेना चाहता, लेकिन वास्तव में कितनी ताकत है इन सब योजनाओं में। और हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए कि जिन योजनाओं की हम आज चर्चा कर रहे हैं, इन योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही जब इन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी तो इस रूप में की थी उन्होंने, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हर बेटी की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा के साथ, उनके सम्मान के साथ, उनके स्वावलंबन के साथ। अगर हम बेटी को पढ़ाएंगे पहले तो अगर भ्रूण हत्या हो जाएगी बेटी की तो फिर समाज कहां जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए हर एक पक्ष को इसके लिए जागरूक करना है, बेटी और बेटा के बीच में भेदभाव नहीं करना, समान रूप से दोनों को सम्मान देना, आगे बढ़ाना, और बेटी और बेटा के बीच में कोई भेदभाव ना हो, इसी के लिए प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था और ये प्रयास किया कि बेसिक शिक्षा परिषद के हर स्कूल में हम हर छात्र छात्रा को 2 यूनिफॉर्म देंगे, उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था करेंगे, स्वेटर की व्यवस्था करेंगे, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में बेहतरीन सुविधा देंगे। आज आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालयों की ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत एकदम दशा सुधर चुकी है, बहुत सारी जगह स्मार्ट क्लास बन चुके हैं, बालक बालिकाओं के लिए अलग 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 टॉयलेट बन चुके हैं, पेयजल की व्यवस्था ज्यादातर में हो चुकी है, जो बच्चे हैं अगले 100 दिन के अंदर उन पर भी हम पेयजल की सुविधा देने जा रहे हैं। ये बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव समाप्त हो इसको ध्यान में रख करके, क्योंकि अक्सर होता क्या था, बेटे को अच्छे स्कूल में भेजते थे, बेटियों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजते थे, वहां न शिक्षक होता था, वहां पर न बैठने की व्यवस्था रहती थी, वहां पर न उन बच्चों के पास पढ़ने की व्यवस्था थी, ज्यादातर बच्चे नंगे पैर स्कूल जाते थे, सर्दियों में हाफ शर्ट पहन करके स्कूल में ठिठुरते रहते थे। इसलिए सरकार ने उन बच्चों की व्यवस्था को ध्यान में रख करके हम भेदभाव न करें बल्कि सबको एक समान अवसर दें, ये व्यवस्था दी। आज बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे भी किसी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तरह ही वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, व्यवस्था इसी को ध्यान में रख करके की थी। स्वच्छ भारत अभियान, देखिए बहुत अच्छी बात कही है यहां पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने कि स्वच्छ भारत अभियान ये स्वस्थ बनने का अभियान तो है ही, स्वच्छता का एक अभियान है, क्योंकि स्वच्छता हमें स्वस्थ बनने को अग्रसर करता है, लेकिन इसके साथ ही यह नारी गौरव के भी रक्षा करने का भी एक अभियान है। मुझे याद है आज से 6 वर्ष पहले गांव में हम लोग पैदल नहीं जा पाते थे, गंदगी होती थी, अव्यवस्था होती थी, आज हर गांव साफ सुथरे हैं और मुझे लगता है हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे गांव साफ सुथरे हों, हमारे गांव में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिन घरों में शौचालय नहीं मिला है उन प्रत्येक घर को हम शौचालय उपलब्ध कराएं। एक अभियान के तहत सारा कार्यक्रम चला,
और आपने देखा होगा कितनी इससे कितना लाभ हुआ है। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो इंसेफ्लाइटिस से त्रस्त थे, कितना व्यापक परिवर्तन वहां देखने को मिला है। वहां पर मैं तो देख के बहुत मुझे ताजुब होता है, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी में ये मस्तिष्क ज्वर से हर वर्ष हजारों मौतें होती थी। ये मौतें कौन, यानी वो तबका था जो गरीब तबका था, जिसके जिसको देश की आजादी के बाद से वोट बैंक बना दिया गया था। और वास्तव में जब उस परिवार के किसी बच्चे की मौत होती थी, वो कभी मीडिया ट्रायल का विषय नहीं बना, कभी नहीं बना। हर वर्ष अकेले गोरखपुर के ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में 600 से लेके 1500 बच्चों की मौत होती थी, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन और अंतर विभागीय समन्वय से मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां 1500 मौत हर वर्ष होती थी, इस वर्ष हम लोग इस मौत को घटा करके न्यूनतम ला करके 15 तक लेके आ गए। केवल 15 मौत और जिन गांव में हुई है वहां पे भी जवाबदेही तय की जा रही है। यह भी क्यों हो गई, हम ये भी नहीं होने देंगे। यह है स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम, घर घर में शौचालय बनना, उन शौचालयों को साफ रखना, उनको उपयोग करना, हमारे गांव की पगडंडी, गांव की सड़क, गांव के मोहल्ले पूरे साफ सुथरे रहेंगे, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन से जो शौचालय घर घर में बने हैं, मोहल्ले मोहल्ले बने हैं, उसने मस्तिष्क ज्वर को इतने न्यूनतम स्तर पर ला करके ये परिणाम हमें उपलब्ध कराया है। और वास्तव में जो काम आपके द्वारा हो रहा है, ये न्यू को मजबूत करने का काम हो रहा है। याद रखना, एक सशक्त समाज तब बनेगा जब एक व्यक्ति स्वस्थ होगा। स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज की नींव बन सकता है, और एक सशक्त समाज ही एक सशक्त राष्ट्र और समर्थ राष्ट्र की नींव बनेगा। और वह कार्य स्वस्थ भारत मिशन कर रहा है, लोगों के बहुत बड़े खर्चे को बचाया है। यद्यपि आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया है ज्यादातर लोगों को, हमारा प्रयास है सभी लोग उससे कवर हों, लेकिन फिर भी स्वच्छ भारत मिशन ने इसको और भी न्यूनतम स्तर पर पहुंचाया है कि लोगों का जो पैसा स्वास्थ्य के नाम पे खर्च होता था, बीमारी में खर्च होता था, वह इसने काफी हद तक इसने बचाने का काम किया। जनधन अकाउंट, देखिए जनधन अकाउंट का महत्व अन्य उसमें नहीं, मुझे याद है 1998-99 में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आई थी, प्रदेश सरकार ने 1-1 हजार रुपए के चेक लोगों को वितरित करने के लिए दिए थे, और 1 हजार रुपए किसी गरीब के लिए जाता था तो उसको बैंक अकाउंट खोलने के लिए कहा जाता था कि पहले 500 रुपया जमा करिए तब तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलेगा, नहीं खुल पाता था, यह स्थिति थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में हर गरीब का जनधन अकाउंट खुलवाया, हमें कितनी लाभ में कितना इसका लाभ मिला। हमें जब किसानों के खातों में पैसा भेजना था, 2 करोड़ किसानों के खातों में इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने एक क्लिक में सभी के खातों में पैसा भेज दिया। 87 लाख वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांग जन के अकाउंट में एक साथ पेंशन, हम एडवांस पेंशन भेजते थे कोरोना कालखंड में, लॉकडाउन के बाद दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी। श्रमिकों के खातों में भी हम लोग, क्योंकि जनधन अकाउंट में हर गरीब का खाता खुल गया, शासन से उपलब्ध होने वाली धनराशि उनके अकाउंट में सीधे जा सकती है। ये कार्य इसके माध्यम से हुआ, और खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक नया कदम है कि उनके खाते में सीधे पैसा जाएगा। ये कार्यक्रम अनेक स्तर पर और अलग अलग तरीके से किया गया, इसका लाभ मिला। नहीं तो एक एक घर में चेक वितरण करने की नौबत आती तो इतना मैन पावर हमारे पास था ही नहीं, क्योंकि हमने तो ज्यादातर अधिकारी हमारे कोरोना की रोकथाम करने के लिए, प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए, कम्युनिटी किचन संचालन करने के लिए,
या फिर अन्य तरीके से कोरोना को रोकना, उससे पहले उससे लॉकडाउन को सफल बनाना, अन्य अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे, इसी पे सारी टीम लगी हुई थी जो चेक वितरित करने के कार्यक्रम को कैसे हम आगे बढ़ा सकते थे, ये उस समय एक चैलेंज होता। लेकिन हम लोगों ने इसका उपयोग किया तो उसके माध्यम से हर एक लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंचने में मदद मिल गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आपने देखा होगा महिलाओं के जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है। हर गरीब के पास रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया। पहले रसोई गैस का कनेक्शन 2014 के पहले 20,000-25,000 रुपए में भी नहीं मिल पाता था, निःशुल्क सबको रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए। और इस कोरोना में तो 6 महीने तक हर परिवार को, जिनका उज्ज्वला योजना का अकाउंट था, उन्हें निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। मातृ वंदना का कार्यक्रम हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, आप कल्पना करिए किसी घर की मालकिन कोई महिला हो जाए और उसके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाए। देश के अंदर 2 करोड़ लोगों को और प्रदेश में 30 लाख लोगों को मात्र 3 वर्ष में हम लोगों ने एक एक आवास उपलब्ध कराए हैं। एक एक आवास उन 30 लाख लोगों को। सौभाग्य योजना में प्रदेश में 1,24,00,000 लोगों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। एक कनेक्शन केवल उपलब्ध नहीं कराया गया, वहां पर विद्युतीकरण का कार्य पहले हुआ, फिर कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। यानी ये जितने भी कार्यक्रम हैं ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम है। उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से भी जुड़ा हुआ है और उनके स्वावलंबन से भी जुड़े हुए कार्यक्रम है। और प्रदेश सरकार ने इसी क्रम को आगे बढ़ाया, खासतौर पर स्कूल चलो अभियान में कोई बालक या बालिका वंचित न रहने पाए। ज्यादातर परिवार बालकों को तो स्कूल भेजते थे, बालिकाओं को नहीं भेजते थे। और 50 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में 3 वर्ष में बढ़े हैं। ये बालिकाओं की संख्या इसमें ज्यादा थी, तो बालिकाओं को पढ़ाने के समय जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं उस कार्यक्रम की श्रृंखला में ये चीजें आगे बढ़ी हैं। इसी प्रकार से बालिकाएं स्कूल तो जाएंगी, लेकिन बहुत सारी जगह हमारे प्रदेश में 6 ऐसे जनपद थे जिन जनपदों में पुरुष और महिलाओं के अनुपात में विषमता ज्यादा आ रही थी। और उस विषमता को दूर करने के लिए हम लोगों को एक मुखबिर योजना भी प्रारंभ करनी पड़ी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्या भ्रूण हत्या के कार्यक्रम चल रहे हों और उसके नाम पर जो है कुछ लोग गलत तरीके से इस क्या किसके माध्यम से एक गलत प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हों। आज प्रदेश के अंदर ये संतुलन काफी अच्छा हुआ है, लेकिन अभी जागरूकता की आवश्यकता है। खासतौर पर इसमें हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की, बहुत सारी गांव पंचायतों में ये योजना लागू की गई। खासतौर पर बालिका के जन्म लेने के साथ ही जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा एक निश्चित धनराशि उस बालिका के नाम पर आ जाएगी। बालिका 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से उसको आच्छादित करेंगे, एक निश्चित राशि इस बालिका के नाम पे आ जाएगी। बालिका पहली क्लास में जाएगी स्कूल में रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में आ जाएगी। बालिका 6ठी क्लास में जाएगी रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में धनराशि आ जाएगी। बालिका 9वीं क्लास में जाएगी एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाएगी। और वह बालिका स्नातक तक की शिक्षा या कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोर्स करती है तो उस बालिका को 15,000 की एक राशि उस बालिका के नाम पर सरकार जमा कर देगी। बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। बहुत बड़ी योजना है और मुझे लगता है कि जागरूक महिला ग्राम प्रधानगण, पार्षदगण, चेयरमैन या मेयर जो हैं, ये सभी लोग अगर इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो ज्यादातर लोग इसका लाभ ले सकते हैं। स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क हो या फिर
प्रदेश की प्रत्येक निराश्रित महिला को महिला पेंशन का लाभ देना, ये सभी कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण को ध्यान में रख करके, उनके सम्मान को और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके कार्यक्रम चलाए हैं। महिला स्वयंसेवी समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, और हम लोगों ने देखा है कि प्रदेश सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि पहले जो पंजीरी वितरित की जाती थी पोषण अभियान के अंतर्गत, हम लोग महिला स्वयंसेवी समूहों को इसको दे रहे हैं। बहुत सारी जगह राशन कार्ड राशन वितरण की जिम्मेदारी भी हम जहां पे ज्यादा शिकायतें वहां पर महिला स्वयंसेवी समूह को ही देने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन शासन योजनाएं बना सकता है, प्रशासन उसको आगे तक बढ़ा सकता है, लेकिन अगर समाज में महिलाएं जागरूक हो जाएं तो बहुत बड़ा कार्य इसको हम आगे चला सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ जो सही पात्र व्यक्ति है उस तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक इन योजनाओं का लाभ हम दे सकते हैं। और इसमें एक बड़ी भूमिका आपकी होगी, सबसे पहले महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के स्वावलंबन को आगे बढ़ाने के लिए। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कुछ हेल्पलाइन भी जारी की है और मुझे लगता है अगर इसकी जानकारी हमें है और हम इनकी जानकारी लेने के साथ इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे, एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग ले सकते हैं। मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम है ये अलग अलग विभागों के द्वारा चलाया जा रहा है, प्रदेश स्तर पर इसकी समीक्षा होगी, चीफ सेक्रेटरी प्रदेश स्तर पर इसकी हर महीने समीक्षा करेंगे। हर जनपद के जिलाधिकारियों का दायित्व है कि वे विभागीय समीक्षा इसकी जनपद में साप्ताहिक रूप से करें और हर विभाग अपने अपने विभाग अपने अपने कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करें कि क्या कार्य उनके स्तर पर महिलाओं के सम्मान से, उनके स्वावलंबन से या उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। जैसे प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग के द्वारा पहले ही विमेन पावर नंबर जारी हुआ है 1090। मैं इसकी समीक्षा अक्सर करता हूं तो मैं अक्सर देखता था कि इसमें ज्यादातर कॉल 2-3 महानगरों से आती थी, अन्य प्रदेश के अन्य जनपदों से नहीं आती थी। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना, कहीं पे महिलाओं को सुरक्षा का खतरा लगता है 1090 पर अगर वह कॉल करेंगी तो ये आपस में इंटीग्रेट भी है। पुलिस का जो कॉल है 112 यानी इस पे आप न भी करें 1090 पर ही कर देंगे तो भी आपके यहां पर आपको सुरक्षा वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। या 181 घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए ये हेल्पलाइन जारी की गई है, या सीएम हेल्पलाइन 1076 पर अगर आप कॉल करेंगे और उस के माध्यम से अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं तो यहां से भी वह सूचना वहां तक पहुंच सकती है अगर वह सुरक्षा से जुड़ा हुआ है मामला है तो। इसी प्रकार से पुलिस का 112, एम्बुलेंस सेवा का 108 या महिला और बच्चों की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सेवा है 102, ये सभी हेल्पलाइन जितनी भी जारी की गई हैं ग्राम पंचायतों में भी इसकी जानकारी होना, हर एक ग्राम पंचायत में ये जानकारी होनी चाहिए, हर नगर निकाय में ये जानकारी होनी चाहिए कि ये नंबर किस कार्य के लिए, किस किस परिस्थिति में किस इमरजेंसी पर कॉल हमें करना, कौन से नंबर पे कॉल करना है। ये जानकारी अगर हर नागरिक को और हर पालिका या महिला को हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से जो अभी भी महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर तमाम जगह प्रश्न खड़े हो रहे हैं इस पर हम विराम लगा सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने दो और निर्णय लिए हैं, वे निर्णय है, एक 1535 थाने हैं हमारे पास प्रदेश में, इन सभी 1535 थानों में हम लोग एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने का आदेश दे चुके हैं और अगले कुछ दिनों में महिला हेल्प डेस्क जहां पर थाने में कोई महिला गई है, पीड़ित महिला गई है तो उनके बैठने की व्यवस्था रहेगी, वहां पर महिला पुलिस अधिकारी या महिला कांस्टेबल पहले से मौजूद रहेगी, वहां पर बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, स्टेशनरी की व्यवस्था और वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी रहेगा जिससे उनकी सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया जा सके।
ये व्यवस्था वहां पर रहेगी और 350 तहसीलों में भी हम इसकी व्यवस्था करेंगे, यानी 350 तहसील 1535 थानों में ये व्यवस्थाएं पहले चरण में दी जा रही हैं, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत को वहां पर रख सकें और उसकी समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकल सके। इस सरकार के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई है, लेकिन मैं चाहूंगा जैसे एक ग्राम प्रधान ने यहां पर कहा बाराबंकी से, और वह खासतौर पर स्वयं मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई है और उन्होंने इस बात को बहुत बेबाकी से कहा कि हम अपने गांव में हर सप्ताह बैठक करते हैं और गांव के बच्चों को बालकों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि इस बात के लिए कहते हैं कि कोई भी ऐसी हरकत न करें, कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जो बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता हो। और हमें चाहिए कि हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में, हर नगर निकाय में हम लोग इसके बारे में लोगों को अवगत कराएं, बताएं कि कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि गांव में तो पहले ऐसी चीज कोई भी शिकायत नहीं आती थी, गांव में तो मान्यता होती थी कि गांव की बेटी सबकी बेटी, तो ये गांव की बेटी सबकी बेटी जो ये मान्यता थी हमारी, आखिर आज हम लोग कहां जा रहे हैं, क्यों गांव की बेटी के साथ गांव में ही अत्याचार हो रहा है? ये प्रश्न एक सभ्य समाज के सामने एक चैलेंज है, एक चुनौती है, और इस चुनौती को हम सबको स्वीकार करना होगा कि कैसे इसका समाधान का रास्ता निकालना है। वह समाधान भी आप ही के माध्यम से निकलना है, वह माध्यम जो बाराबंकी की एक ग्राम प्रधान ने बात कही है कि हम हर सप्ताह बैठते हैं, गांव के लोगों के साथ संवाद बनाते हैं, गांव के बालकों के साथ संवाद बनाते हैं, गांव के युवाओं के साथ भी संवाद बनाते हैं, और फिर उनके सामने ये प्रश्न करते हैं कि भाई ये चीजें अगर होंगी तो ठीक नहीं। दूसरा, सीसीटीवी कैमरा या पब्लिक एड्रेस सिस्टम गांव में किसी बात की घोषणा करने का माध्यम बन सकता है, गांव में सुबह शाम भजन या गांव से जुड़े किसी राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए भी माध्यम बन सकता है, गांव में अन्य कार्यक्रमों, स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ गांव को जोड़ने का है, या अन्य तमाम प्रकार के रचनात्मक कार्यों को जोड़ने के लिए भी ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे लगता है कि ये बड़ा कार्यक्रम है, हम लोग पहले चरण में जागरूकता के इस कार्यक्रम में हर एक तबके का सहयोग लेना चाहते हैं, और आज मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर मिला है। हम पहले चरण में जागरूकता करेंगे, दूसरे चरण में हम लोग कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और तीसरे चरण में दोनों प्रकार के लोगों के खिलाफ, एक जो महिला सुरक्षा के सामने खतरा बने हुए हैं और दूसरा जो लोग महिलाओं के कल्याण के लिए उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए या उनके स्वावलंबन के लिए चलने वाली योजनाओं में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की हमारी तैयारी होगी, और ये कार्रवाई हमारी बहुत व्यापक पैमाने पर प्रदेश के अंदर प्रारंभ होने जा रही है। और इसलिए आज मैं आप सबके साथ संवाद बना रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप में से ज्यादातर सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और खासतौर पर महिला जनप्रतिनिधि किस रूप में शासन की योजनाओं के प्रति पूरी तरह गंभीर होकर के कार्य कर रही हैं, मुझे लगता है आप जैसे जागरूक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग न केवल शासन की योजनाओं को सफलतापूर्वक उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जो इसके लिए पात्रता रखता है, अपितु इसके माध्यम से हम लोग बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न जो महिला स्वयंसेवी समूह हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन हैं, वे सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। खासतौर पर जो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ शिक्षक गण जुड़े हुए हैं या स्वयंसेवी संगठनों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हम लोगों ने शिक्षा विभाग को इसमें अलग से कार्यक्रम भी दिया है कि
शिक्षा को हम संस्कारों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, एक कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम हम पहले चरण में जागरूकता के माध्यम से समाज के किसी भी प्रकार की कुरूति को, किसी भी प्रकार की विकृति को और किसी भी प्रकार के उस चैलेंज को जो आज महिला सुरक्षा के सामने या महिलाओं के सम्मान के सामने खड़ा हुआ है, उसे देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य में हम सफलतापूर्वक उसका निवारण करके हम लोग उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का जो एक बेहतर माहौल देने का कार्य हुआ है, इस सुरक्षा के बेहतर माहौल को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस वर्चुअल संवाद से जुड़ने के लिए आप सभी जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, खासतौर पर महिला सरपंच प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पार्षद या चेयरमैन और मेयर या जिला पंचायत के अध्यक्ष या प्रमुख गण हैं, हमारे शिक्षक गण हैं, स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए विभिन्न जो संगठन है, संस्थाओं से जुड़े हुए उनके पदाधिकारी हैं और भी अन्य संगठनों से जुड़े हुए जितने भी ऐसे पदाधिकारी हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जो ये पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सब सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आप सबको शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं और हम सफलतापूर्वक इस मिशन को आगे बढ़ा सकें, इसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा शासन को रहेगी। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।